उत्तराखंड की धामी सरकार ने नए दायित्वधारियों की सूची जारी कर दी है। इसमें नैनीताल जिले के दो वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को भी दायित्व सौंपा गया है। दो बार के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके दीपक मेहरा को उत्तराखंड वन और पर्यावरण सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है। दीपक मेहरा संगठन में प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष भी हैं। इसी तरह बीजेपी जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके दिनेश आर्य को उत्तराखंड राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। दिनेश आर्य का परिवार लंबे समय से बीजेपी से जुड़ा हुआ है। उनके पिता के भाजपा से सभासद भी रह चुके हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, धामी जी सरकार ने बहुत वरिष्ठ लोगों को अपने सहयोगी के रूप में जिम्मेवारी दी है। आदरणीय दीपक मेहरा जी बहुत लंबा अनुभव है, हमारे बड़े भाई हैं, जिला अध्यक्ष रहे, अनुशासन समिति सदस्य रहे और बहुत लंबा चंपावत के प्रभारी रहे। जगह जगह लगातार संगठन का काम किया है, प्रशासन का भी बहुत अनुभव है और निश्चित रूप से हम सब लोग एक अच्छे सहयोगी के रूप में जो सरकार की योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाएंगे और एक सुशासन का जो राज्य स्थापित करने का धामी जी का प्रयास है, प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रयास है। अपने आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो हमको ये जिम्मेदारी सौंपी है, संगठन के अपने प्रदेश अध्यक्ष जी, अपने प्रदेश के महामंत्री संगठन जी और सब जितने भी अपने वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधुओं और अपने केंद्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श करने के बाद जो हमको ये पद प्राप्त हुआ है, ये बहुत जिम्मेदारी वाला पद है और इसका निर्वहन भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते करते मुझको जो इतने वर्षों में जो अनुभव प्राप्त हुआ है, इसको धरातल पर जाकर मैं इस विभाग को जो मुझे सौंपा गया है उसमें जो जिम्मेदारियाँ मुझको दी हैं उसको पूरी करने के लिए पूर्ण अपना समय और अपना बहुत अच्छी तरह से काम को करूँगा। इस अवसर पर मैं सबसे पहले अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। साथ ही पार्टी के हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के महामंत्री संगठन और प्रदेश के वरिष्ठ जो नेता हैं उन सबका धन्यवाद कहूँगा कि सामान्य कार्यकर्ता को भी पार्टी में लगातार काम करने पर सम्मान मिलता है। उस दृष्टि में जो मुझे ये जिम्मेदारी दी है उसके अनुरूप मैं काम करने का प्रयास करूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पेयजल विभाग की अनुसरण समिति में काम करने का दायित्व दिया है और पेयजल से संबंधित पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई भी यहाँ की जनता को कोई किसी प्रकार का जो कष्ट है उस कष्ट को अपने संपूर्ण प्रयास करते हुए उसको दूर करने की मेरी कोशिश रहेगी। विभाग को और थोड़ा सा नज़दीक से पढ़ने का प्रयास करने के बाद जो जो इसमें खामियां मुझे नज़र आएंगी उनको दूर करने की मैं पूरी अपने तरफ से कोशिश करूँगा।